हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे भिन्न का गुणा व भाग। इससे पहले मैं भिन्न के लिए जितनी भी वीडियो बना चुका हूँ उन सभी की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुणा। तो उदाहरण के तौर पर अपने पास है 2/3 गुणा 5/7। भिन्न का गुणा बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं, अंश के साथ अंश का गुणा और हर के साथ हर का गुणा करते हैं। तो जैसे अपने पास 2/3 गुणा 5/7 है, तो 2/3 में जो आपका अंश है वो आपका है 2 और 5/7 में अंश है आपका 5। तो अंश के साथ अंश का गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 और 5 का गुणा हो जाएगा और अंश में आ जाएगा 10। और हर के साथ हर का गुणा, तो 2/3 में हर है आपका 3 और 5/7 में हर है 7। तो 3 और 7 का गुणा जब करेंगे तो हर के रूप में आ जाएगा 21। तो अंश के साथ अंश का गुणा, हर के साथ हर का गुणा, आंसर आ गया 10/21। अगला उदाहरण है 7/9 गुणा 5/11। तो अंश के साथ अंश का गुणा यानी कि 7 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो 7 और 5 का अपन गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 35। और हर के साथ हर का गुणा, तो 9 और 11 का गुणा करेंगे तो 9 का गुणा जब 11 से करते हैं तो अपना आ जाएगा 99। तो ये आ गया 35/99। अगला उदाहरण है 3/4 गुणा 2/5। अंश के साथ अंश का गुणा यानी कि 3 और 2 का गुणा होगा, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। ओके। और हर के साथ हर का गुणा, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20। 6/20 इसको अपन सरल करके भी लिख सकते हैं, काट सकते हैं, यानी कि 6 और 20 अंश और हर दोनों में 2 का भाग जा रहा है। 6 में 2 का भाग गया 3 बार और 20 में 2 का भाग गया 10 बार, तो 3/10 आंसर आ गया। अगला उदाहरण है 1/2 गुणा 3/5 गुणा 7/8। तीन भिन्न का गुणा है, तरीका वही रहेगा, अंश के साथ अंश का गुणा, 1 गुणा 3 3 और 3 और 7 का गुणा 21। तो अंश के रूप में अपना आ जाएगा 21। 1 गुणा 3 3 3 और 7 का गुणा 21। अब हर के साथ हर का गुणा, तो 2 और 5 का गुणा, तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 10 और जब 10 का गुणा अपन 8 से करेंगे तो आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80। तो 1 गुणा 3 3 3 और 7 का गुणा 21, हर में 2 × 5 10 10 गुणा 8 80। तो आंसर आ गया 21/80। अब है भाग। भाग भी बहुत आसान होता है। देखिए, सबसे पहले अपने पास है 3/5 भाग 4/7। तो ध्यान से देखिए, अपन क्या करेंगे, जिस भिन्न में अपन को भाग देना है उसमें अपन कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि अपन जिस भिन्न में भाग दे रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो 3/5 में अपन भाग दे रहे हैं 4/7 का, तो 3/5 का 3/5 लिख देंगे, ठीक है। अब जो भाग है उसको अपन चेंज कर देंगे गुणा में। भाग किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। जब भाग को अपन गुणा में चेंज करेंगे तो जिस भिन्न का अपन भाग दे रहे हैं उसके अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो यहाँ 4 आपका जो है अंश है वो बन जाएगा हर, और 7 आपका हर है ये बन जाएगा अंश। अब ये आपका 3/5 गुणा 7/4 एक प्रकार का गुणा बन गया और गुणा अपन को आता है। तो करते हैं आगे सॉल्व। अब गुणा कर लें, अंश के साथ अंश का गुणा, तो 3 और 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21 और हर में 5 और 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 20। 21/20 ये एक प्रकार की अनुचित भिन्न है, अपन इसको मिश्र भिन्न में बदल कर लिखेंगे। 20 का भाग 21 में जा रहा है, तो जब अपन 20 का भाग 21 में देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 1, यहाँ लिख देंगे, और 20 का भाग दिया था तो वापस यहाँ 20 लिख देंगे। वैसे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगला उदाहरण है 7/9 भाग 4/5। वही तरीका, पहली भिन्न या जिस भिन्न में अपन भाग दे रहे हैं उसमें तो चेंज करना नहीं है 7/9 का, तो 7/9 रहेगा। अब जो भाग है उसको किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। जब भाग गुणा में चेंज होगा तो जिस भिन्न का अपन भाग दे रहे हैं उसके अंश को हर बना देंगे और हर को अंश, यानी कि 4 आपका अंश है ये बन जाएगा हर और 5 आपका हर है ये बन जाएगा अंश। अब गुणा बन गया, गुणा कर देते हैं, तो 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 का गुणा जब अपन 5 से करते हैं तो आ जाएगा 35। 9 का गुणा 4 से कितना आ जाएगा 36। तो ये आ गया 35/36 आपका आंसर।
अगला उदाहरण है 9/11 भाग 3/5। पहली बिन यानी कि जिस बिन में अपन भाग दे रहे हैं उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, यानी कि 9/11 का 9/11 भाग की जगह क्या हो जाएगा गुणा, और जिस बिन का भाग दे रहे हैं उसके अंश को हर बनाना है और हर को अंश, यानी कि आपका जो ये 5 हर था ये अब अंश बन जाएगा और जो 3 अंश था ये बन जाएगा हर, गुणा हो गया। अब गुणा करना अपन को आता ही है, 9 × 5 तो 9 का गुणा जब 5 से करेंगे तो अपना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45। 11 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33, 11 का गुणा 3 से किया 33। 45 और 33 को अपन सरल करके लिख सकते हैं क्योंकि 45 और 33 दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो जब अपन 3 का भाग 45 में देंगे, 3 का भाग 45 में देंगे तो जाएगा 15 बार, कितनी बार 15 बार, और जब 3 का भाग 33 में देंगे तो जाएगा 11 बार। ओके, 3 का भाग 45 में दिया 15 बार, 3 का भाग 33 में दिया 11 बार, 15/11। ये एक प्रकार की अनुचित बिन है, इसको मिश्र बिन बना के लिख देंगे। वैसे अगर मिश्र बिन नहीं बनानी आती है तो अपने यहाँ देख लेंगे, 15/11 है तो आपको क्या करना है, हमेशा अंश में हर का भाग देना होता है, इसलिए अपन 15 में 11 का भाग देंगे, 11 का भाग 15 में जाएगा एक बार, यहाँ 11 15 में से 11 गए 4 बच गए। अब देखिए आपका जो भागफल है वो कितना आया 1, ये भागफल, शेषफल कितना 4, तो शेषफल यहाँ ऊपर लिख देंगे उचित बिन के अंश के रूप में, और भाजक क्या था 11, यानी कि भाग किसका दिया था 11 का, तो यहाँ लिख देंगे 11, तो ये बन गई 1 सही 4/11 आपकी मिश्र बिन। आगे हैं 2 सही 2/3 भाग 1 सही 2/5, दोनों मिश्र बिन है, मिश्र बिन का भाग है, तो मिश्र बिन का भाग करने के लिए पहले तो अपन को क्या है, इन मिश्र बिन को अनुचित बिन में बदलना पड़ेगा, तो मिश्र बिन को अनुचित बिन में पहले बदलते हैं। तो जैसे ये आपकी 2 सही 2/3 है मिश्र बिन, तो ये 2/3 ये आपकी तो उचित बिन है, तो इस उचित बिन के हर को यानी कि इस 3 को अपन 2 के साथ गुणा कर देंगे, तो 3 और 2 का गुणा कितना आ जाएगा 6, और 6 को साथ 2 जोड़ लेते हैं, 3 और 2 का गुणा 6, 6 के साथ 2 जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8, और इस उचित बिन का हर कौन है 3, तो यहाँ भी हर कौन आएगा 3, तो ये 8/3 आपकी कौन सी बिन बन गई है अनुचित बिन, भाग भाग। अब इसको बनाते हैं तो 1 और 5 का करते हैं गुणा, तो 5 और 1 का गुणा 5, 5 के साथ 2 जोड़ लो कितने हो जाएंगे आपके 7, बट्टा में है आपका 5 तो वापस 5। अब ये अनुचित बिन हो गई, अब इसके अपन भाग कर लेंगे, तो पहली बिन यानी कि जिसमें अपन भाग दे रहे हैं उसमें तो चेंज करेंगे नहीं, 8/3 का तो 8/3 रह जाएगा, बाकी जगह क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, बाकी जगह गुणा होने पर जिस बिन का भाग दे रहे हैं उसका अंश हर और हर क्या बन जाएगा अंश, यानी कि अपना हो जाएगा 5/7। अब गुणा कर लें तो 8 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 का गुणा आपका आ जाएगा 40, और हर में 3 और 7 का गुणा आ जाएगा आपका 21, तो ये 40/21 आपकी अनुचित बिन है क्योंकि यहाँ अंश हर से बड़ा है, इसको अपन मिश्र बिन में बदल के लिख देंगे, 40/21 है तो 40 में 21 का भाग देंगे, तो 21 का भाग 40 में आपका जाएगा एक बार, यहाँ आ जाएगा 21, घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, तो आपका भागफल कितना 1, शेषफल कितना 19, और भाजक क्या है 21, तो यहाँ लिख देंगे 21, तो ये आपकी मिश्र बिन बन गई 1 सही 19/21। वैसे अनुचित बिन को मिश्र बिन बनाने के लिए और मिश्र बिन को अनुचित बिन में बदलने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उनकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।